हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। मेरे साथ है नए स्टूडेंट नेहा चौधरी जम्मू से, जिनका वीज़ा रिसीव हुआ है ऑस्ट्रेलिया का आफ्टर प्लस टू। हाईलाइट क्या है इस प्रोफाइल का, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज 5.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5 के साथ में वीज़ा रिसीव हुआ है नेहा का, जो कि आप उन्हीं के मुँह से सुन सकते हैं उनका एक्सपीरियंस और उनका प्रोफाइल। सो वेलकम करेंगे नेहा को। वेलकम नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी फैमिली से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ मैं, सब बहुत खुश हैं। सो क्या उम्मीद थी नेहा आपकी प्रोफाइल पे, कितनी होप थी आपको कि 5.5 के साथ में वीज़ा आएगा, और कितनी रिजेक्शंस पहले लोगों से मिल चुकी है कि नहीं वीज़ा आएगा? एक्चुअली अपने फ्रेंड सर्कल से मैंने बहुत इसके बारे में कंसर्न लिया कि क्या इसका सीन है क्या नहीं। सभी ने ये बोला कि रिजेक्ट हो जाएगा ये वो सब कुछ, बट मैंने स्टडी वर्ल्ड में विजिट किया, राइट। उसके बाद मुझे बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स आए मैम से। देन आफ्टर 3 मंथ्स मैंने अपना वीज़ा रिसीव किया 19th अगस्त। जी 19th अगस्त को वीज़ा रिसीव हुआ था इनका। जो हमें व्यूवर्स फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, वो जानते ही होंगे इनका रील काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने अपना एक इमोशन जाहिर किया जब वीज़ा आया था नेहा का। सो नेहा, मैं ये पूछूंगी आपसे इसके साथ ही कि ओवरऑल प्रोफाइल क्या है आपका आफ्टर प्लस टू, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं, चाहे आपके जम्मू के हैं, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है, अगर वो अप्लाई करवाना चाहते हैं तो क्या एक सजेशन है आपकी प्रोफाइल के थ्रू? सो मैम, मैंने 12th 2020 में पास आउट करा था, राइट। देन आफ्टर दैट मैंने आईएलटीएस करा जी। सो मेरे आई गॉट 5.5, नॉट लेस देन 5, राइट। एंड देन आफ्टर दैट परसेंटेज क्या रहा आपका? परसेंटेज 73। देन उसके बाद मेरा 1 ईयर का डिप्लोमा था कंप्यूटर का। ओके, सो नॉन मेडिकल से प्लस टू किया आपने। ठीक है, सो जैसे कि आपने सुना स्टूडेंट की 2020 पास आउट है स्टूडेंट, अब ये भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी सिर्फ रीसेंट पास आउट स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें 21 पास आउट स्टूडेंट है, 22 पास आउट स्टूडेंट है। ओनली 21 और 22 पास आउट स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। 2020 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए गैप का इशू हो जाता है, बट आपके सामने एक एग्जाम्पल और भी है, बट अभी मैं वो 2020 पास आउट स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, बिकॉज इनका विद इन 3 मंथ्स में वीज़ा रिसीव हुआ है, तो पहले 3 महीने पहले की ये बात है। तो जो 21 या 22 पास आउट स्टूडेंट है, 5.5 ओवरऑल के साथ में अप्लाई करवाना है, 5.5 ईच के साथ अप्लाई करवाना है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज नेहा को खुद पता है कि आपने पहले वीज़ाज देखे होंगे 5.5 के साथ हमारी कंपनी के। यस मैम। तो किसने आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिया कि आपको करवाना चाहिए अप्लाई? मैम, स्टडी वर्ल्ड के जो जलंधर वाले नीरू मैम, उन्होंने। राइट, सो जलंधर ब्रांच, उन्होंने मेरे को। ओके, ये ट्रस्ट वाली बात है स्टूडेंट, मैं ये नहीं बोलूँगी, हम प्रूफ के साथ में बात करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज मेरे पास में वीज़ा है नेहा का, जो मैं फाइनली इन्हें दूंगी। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो जितने भी स्टूडेंट हैं इंटरेस्टेड 21, 22 पास आउट ओवरऑल 6 या 5.5 ओवरऑल वाले, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट चलते टाइम एक पूछूंगी आपसे सवाल, एक्सपीरियंस और एडवाइस क्या रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत बेटर है मेरा। एडवाइस यही है कि अगर हमें कोई बोल रहा है कि नहीं आता ऐसे, हमें एक बार विजिट करके उनसे कंसर्न लेना चाहिए कि क्या है, कि आएगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। जी, अप्लाई करवाना नहीं करवाना बाद की बात है, बट एक बारी विजिट करना ज़रूर चाहिए। सो आज इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे स्टूडेंट, बिकॉज जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट है, किसी भी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करवाना है, और नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।